अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। PSL जस्ट दो दिन में ही स्टार्ट होने वाला है। PSL का एक्शन स्टार्ट होने वाला है एंड जो एक्साइटमेंट है फैंस में वो पीक पे मौजूद है। एंड जो है कि दो दिन बस जल्दी पास ऑन हो तो PSL का स्टार्ट हो एंड फर्स्ट बॉल गिरें एंड हम देखें कि भाई कौन सी टीम कौन सा प्लेयर डोमिनेट कर रहा है। और खैर इसके अलावा जो हमारे एज आई सेड के भाई PSL के लिए ट्रेनिंग हो रही है, प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेज की तरफ से। डेली बेसिस पे वीडियोस वायरल हो रही हैं, विजुअल्स वायरल हो रहे हैं, प्लेयर्स है कि अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर कर रहे हैं पिक्स वगैरह, और पॉडकास्ट वगैरह भी बनाई जा रही हैं जो कि खैर ड्यूरिंग द PSL की जाएंगी, टेलीकास्ट की जाएंगी। एंड है कि वो कुछ कुछ उसके जो क्लिप्स हैं वो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें नसीम शाह के क्लिप्स हैं और भी खैर बहुत सारे, मतलब PSL के जो भी पॉडकास्ट वगैरह होती हैं उस हवाले से है कि जो भी छोटे छोटे जो सेशंस किए जाते हैं प्लेयर्स के साथ तो वो भी है कि शेयर किए जाएंगे। मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेज हैं उन वो अपने है कि जो ज़ाती जो उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर शेयर किए जाएंगे, सो उससे भी इंशाल्लाह लुत्फानंदोज़ होंगे एंड उस पर भी हम है कि एनालाइज करेंगे। बट अभी है कि जो नसीम शाह की जो पिक्चर्स वायरल हुई हैं उसमें जो आयन पॉन्ट हैं जो एक्स क्रिकेटर हैं, इंग्लिश एक्स क्रिकेटर हैं और राइट नाउ आई थिंक कुछ NCA में कुछ फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में ही वो कुछ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि भाई जो नसीम शाह का जो बॉल डिलीवर करने का, मैं पिक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बॉल डिलीवर करने का जो पॉइंट है उसमें बहुत ज़्यादा क्रॉस हो रहे हैं उनके लेग्स एंड ये हाई रिस्क है, एक लॉन्ग टर्म इंजरी होने का ख़तरा है उनको, तो किसी को भी खैर उनको गाइड करना चाहिए। एंड एज़ फार एज़ आई नो कि शायद जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो NCA में है, कुछ बॉलिंग कोच वगैरह है या कुछ ही कुछ इस तरह के स्पेशलिस्ट हैं वो हमारे नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, तो उन्होंने इस तरह से पॉइंट आउट किया है तो वो खुद जाके नहीं कर सकते थे या क्या उनकी डोमेन में नहीं आता है ये आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट उन्होंने इस तरह से पॉइंट आउट किया है तो देखना चाहिए। खैर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुझे तो खैर शुरू से एक नॉर्मल सी बात कहूँ तो कि हम कहीं है कि मिसयूज़ ना करते उसको, और खैर थोड़े थोड़े मैचेस खिलाने की बात हुई थी शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड में, बट मुझे ही लग रहा है कि थोड़े थोड़े मैचेस खिलाए जाएंगे, मुझे तो लग रहा है कि भाई सारे मैचेस खिलाए जाएंगे। और जहाँ तक मैंने नसीम शाह को देखा है मतलब प्रैक्टिस वगैरह में वो थोड़े से एग्जॉस्ट नज़र आते हैं। कल भी खैर जो उनके विजुअल्स वायरल हुए थे कि पहले मैं वार्म अप तो हो जाऊँ इसके बाद इन स्विंग आउट पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा एंड ऑल, तो वो जब भी एग्जॉस्ट नज़र आ रहे थे, सो मुझे पर्सनली लगता है कि वो अभी तक फुली 100% फिट नहीं हुए हैं और कहीं हम उनका करियर भी दाव पे ना लगा दें, या वही है कि अगर वो नहीं है कि पूरे फिट होके खेलेंगे तो फिर वो सही से डिलीवर नहीं कर सकेंगे। और अभी वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है तो भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी चाहिए कि भाई ऑन एंड ऑफ खिलाओ, बाकी शाह ब्रदर्स को भी दिया है तो उनकी भी डिलीवरीज मोर और लेस इनके जैसी हैं नसीम, तो फिर है कि रोटेशन पॉलिसीज के तहत करो या भले उनको खिला लो, नसीम को नहीं खिलाना, नसीम को जस्ट मेन मैचेस में खिलाएं तो आई थिंक सही से अगर हो तो PSL को चाहिए कि इन चीज़ों को सही से हैंडल करे। बट वही बात है कि अब बस फजूल के काम तो हमें हमसे करा लो हमारे PSL से। सो खैर ये बात उन्होंने पॉइंट आउट की है, अब जो भी खैर अरबाब इख्तियार है उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए भाई इस पे काम करो, हमारा एसेट है नसीम शाह एंड उसी से अभी तो हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। शाहीन इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, हारिस राउफ के हवाले से बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं हमारे, और है कि शादाब के हवाले से क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो जैसे एक नसीम ही एक है उम्मीद की किरण है हमारे लिए कि भाई वो आएगा और फिर दोबारा से हमारी जो पेस अटैक है उसमें नई जान या नई रूप फूकेगा इंशाल्लाह। तो अगर तो वो भी फुली फिट नहीं हुआ या उसको भी इस तरह से मिस यूज़ किया गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे हम, अल्लाह बस हमारी तरीके से हम हैंडल कर लें तो क्या ही कहना। और खैर इसके अलावा जो हमारे उबैद शाह साहब हैं 119 स्टार, जो माइंड ब्लोइंग जिनकी परफॉर्मेंसेज गई हैं, एशिया कप में भी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी थी, इससे पहले पाकिस्तान अंडर 19 का कुछ टूर किया था उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंसेज थी एंड अभी वर्ल्ड कप में भी ही वॉज सेकेंड लीडिंग विकेट टेकर, सो है कि उसमें भी जो है कि उनसे भी मीडिया कॉन्वर्जेशन हुई थी तो उनसे पूछा गया भाई क्या गोल है एंड ऑल, तो भाई सबका गोल यही होता है कि हमें बाबर आजम की विकेट लेनी है, जिस बॉलर से पूछे वो कहता है बाबर आजम को आउट करना है एंड वो विकेट बहुत ज़्यादा प्राइजेस होगी एंड दिस एंड ऑल, तो सही है भाई सब बाबर के पीछे पड़ जाओ, सब उसी को टारगेट कर लो, हम फिर किसकी बैटिंग देखेंगे बताओ, हम बाबर आजम की बैटिंग देखने के लिए बैठते हैं मैचेस देखने, पाकिस्तान के मैचेस देखने या जर्मी के मैचेस देखने या जो भी खैर लीग में वो खेलते हैं उसके मैचेस देखने, तो हम उनकी बैटिंग देखने बैठते हैं और हर कोई बॉलर उन्हीं को टारगेट करेगा तो फिर बताओ फिर हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे देखेंगे बाबर आजम को बैट करता हुआ, तो गलत बात है भाई, हर कोई बाबर को टारगेट ना करो, कुछ और भी अच्छे बैटर्स हैं, रिजवान हैं, फ़खर हैं और भी बहुत अच्छे बैटर्स हैं, सो उनको टारगेट करो भाई, छोड़ दो बाबर को रन करने दो, हमें इन्जॉय करने दो उसकी बैटिंग।
और खैर इसके अलावा जो हमारे मोहम्मद हफीज साहब, प्रोफेसर साहब, डायरेक्टर साहब, बैटिंग कोच साहब, जो सब कुछ थे हमारे करता धरता, और पता नहीं क्या ही अपने आप को उन्होंने समझ लिया था, और बहुत ही खैर प्लेयर्स के साथ उन्होंने ना रवा सलूक रखा था, रवा रखा था। तो उनका जो शॉर्ट स्टिंट था वो अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। पीसीबी ने पोस्ट भी उनके हवाले से मतलब है कि की है सोशल मीडिया पे, उनका शुक्रिया अदा किया गया है कि भाई थैंक्स फॉर योर सर्विसेज एंड ऑल इस तरह का। खैर उन्होंने पोस्ट भी कर दी है, सो थैंक्स। तो चलो खैर है, एक अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी कुछ बेहतरी भी उन्होंने लाने की कोशिश की, बट है कि वही बात है कि लॉन्ग टर्म जब तक नहीं होगा, जब तक आप तरीके से सर्व, कोई भी खैर इंसान तरीके से सर्व नहीं कर सकेगा, बट है जो उनका प्लेयर्स के टुवर्ड्स जो रवैया था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। हमने यहाँ पे बारह बात की कि भाई बहुत ज़्यादा एक आमिराना, एक डिक्टेटरशिप उन्होंने रखी हुई थी कि भाई मैं एंड मैं ही हूँ। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, प्लेयर्स के साथ थोड़ा सा हाथ होला रखना चाहिए, और वो भी उन प्लेयर्स के साथ जिनको बड़े ही प्यार मोहब्बत से रखा गया था, बाबर आजम जो भी उनकी मैनेजमेंट थी, तो बड़े प्यार मोहब्बत से रखा था, और फिर इसके बाद एक डिक्टेटर मोहम्मद हफीज साहब मुसलत कर दिए गए उन पर, तो फिर बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया उनके साथ। बट खैर चलो, और इस पर भी खैर बहुत सी बातें हो रही हैं, मुतजाद बातें हो रही हैं, बहुत से लोग अलग अलग राय का इजहार कर रहे हैं कि भाई सही क्या गलत क्या, हफीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी, उसको बात करनी थी, ये था वो था। तो भाई हफीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आके क्यों करनी थी, मैं बारह बोल चुकी हूँ कि भाई हफीज़ वहीं पे कर लेता प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भी उसको बोलना था बोल देता कि भाई इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, और क्या वो करता, जैसे उसने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लेयर्स के ऊपर मरमा डाला था वही करता। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई हफीज़ इज़ अ लेजेंड एंड अच्छा हमारा है कि असासा हैंड ऑल है, तो उसको सही तरह से है कि हैंडल नहीं किया गया, और उसको रिस्पेक्ट के साथ नहीं है कि अलग किया गया पीसीबी से। तो मुझे तो खैर इस हवाले से कुछ होने लगता है, यानी उसको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक गया था, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई है कि मतलब मैं इसे एग्री नहीं करती हूँ। अगर तो उनको जो भी खैर बातें करनी थी वो टूर पे ही बोल देते, या लास्ट मैच जब है कि टूर एंड हो गया था, लास्ट मैच था उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात कर लेते भाई, यहाँ से आके मजीद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नया पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोई जरूरत नहीं थी। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।